पश्चिमी बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के विरोध में निमात्री ट्रस्ट ने आज शिमला में उपायुक्त की अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान अधिवक्ता शीतल ब्यास ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। संदेह खली की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर पश्चिमी बंगाल की सीएम के इस्तीफे की भी मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकती है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में भी महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू करना सरकार का काम होता है। सीएम सुक्खू को राजनीति के साथ कानून व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिए। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज हिमाचल। जी मैं हूँ शीतल शर्मा व्यास, माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हूँ। आज हम जो बहने हैं निर्मात्री ट्रस्ट से जो जुड़ी हुई हैं, आज हम यहाँ पर उपायुक्त के द्वारा अपने जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। इस ज्ञापन के पीछे हमारा एक दुख है, हमारी वेदना है। जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, कुछ महीनों से आपने एक खबर सुनी होगी संदेश खाली में, जिस तरह से एक कथित नेता द्वारा महिलाओं के साथ दुराचार की जो घटनाएं सामने आई, इसके बाद अभी हाल ही में कूच बिहार और वहां पर जो वेस्ट बंगाल में एक जिले में जिस तरह की मॉरल पुलिसिंग के नाम पर और जो एक कैंगरू कोर्ट जो कहा जाता है, कंगारू कोर्ट के नाम से जो वहाँ पर एक प्रथा है, उसके चलते वहाँ जब एक महिला के साथ एक बहुत ही अभद्र व्यवहार किया, जिसके वीडियो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, और वहाँ के एक टीएमसी के जो नेता हैं उन्होंने एक जो वहाँ पे पुरुष और एक महिला उनकी जो सरेआम सड़क पे इसलिए पिटाई की क्योंकि वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। तो आज हम जो महिलाएँ हैं वो राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपने आई हैं कि वेस्ट बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर कि जो स्थिति बनी हुई है उसके खिलाफ संज्ञान लें। और सबसे बड़ी वेदना हम महिलाओं की ये है कि वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है। ममता बनर्जी ने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर वहाँ पे जिस तरह का गुंडा राज चलाया है और महिलाओं को भी वहाँ पर बख्शा नहीं जा रहा है और सरेआम सड़कों पर उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं आ रही है, और अगर उनके घर के लोग, अगर उन पीड़िता के परिवार के लोग अगर पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस उनसे कहती है कि पहले आप साक्ष्य लेकर आओ कि आपकी बेटी आपकी बहू के साथ बलात्कार हुआ है। ऐसी घटनाओं का हमारा जो निर्मात्री ट्रस्ट है वो कड़ी निंदा करती है और आज इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। किस तरह की मांग की जाएगी, कार्रवाई वहाँ पर की जानी चाहिए? जी देखिए, हमारी डिमांड है कि एक तो वहाँ पर जो इस तरह की कथित गुंडागर्दी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अगर वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो एक महिला है, अगर वो अपने प्रदेश में इस तरह अगर वहाँ पे अपना कोई अनुशासन, कोई लॉ एंड ऑर्डर को कायम नहीं कर पा रही हैं, तो हम ममता बनर्जी का इस्तीफा यहाँ से डिमांड करते हैं। और अगर ममता बनर्जी में इतना नहीं है कि वो अपने प्रदेश को चला पा रही है, तो हम वहाँ पर राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, प्रेजिडेंट रूल लगाया जाए ताकि जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है उसकी बहाली की जा सके। शीतल जी, ये तो बात होगी पश्चिम बंगाल की, अगर प्रदेश की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के पिछले गत दिनों में भी कुछ महिलाओं के साथ यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई, उस बारे में जी देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारी देवभूमि है और जहाँ पर कहा जाता था कि जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो अपराध है बहुत कम है, पर हाल ही में कुछ डेढ़ पौने दो वर्षों से जिस तरह से यहाँ पे प्रकरण सामने आ रहे हैं, कोई बलात्कार की घटना है, कोई हत्या की घटनाएं हैं और जिसमें पीड़ित महिला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश में भी इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है। कोई यहाँ पे कानून नाम की चीज नहीं है। सड़कों पर आप देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं वो किस तरह से यहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनके साथ भद्र व्यवहार करते हैं। अगर कोई महिला कोई गाड़ी चलाती है उसके साथ टूरिस्ट कितनी अभद्रता से पेश आते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारे देवभूमि में जो बलात्कार की कुछ घटनाएं अभी पीछे भी सामने आई और हत्या की जो घटनाएं सामने आई है उसको लेकर हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि हमारे प्रदेश में भी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है। और हम यहाँ से डिमांड करते हैं अपने जो
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कि वो यहाँ पे जो हमारा जो कानून की प्रणाली है उस पर भी थोड़ा गौर फरमाएं। राजनीति के अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो ड्यूटी होती है वो भी प्रशासन की होती है, तो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखे ताकि जो देवभूमि है वो किसी भी तरह इन प्रकरणों से शर्मसार ना हो।